आज इंडिया ये सवाल उठा रहा है कि क्या घरेलू महिलाएं यानी कि हाउसवाइफ किसी से कम हैं? उसके काम को सम्मान क्यों नहीं दिया जाता? एक हाउसवाइफ सम्मान और पहचान की मोहताज क्यों है? कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले मैं जल्दी से आपको बहस के नियमों की जानकारी दे दूं। पहला नियम, सभी मेहमानों से उम्मीद की जाती है कि वे कार्यक्रम में अनुशासन बनाए रखेंगे। दूसरा नियम, बहस के दौरान किसी भी प्रतिभागी को जाति, धर्म, लिंग या शारीरिक बनावट के आधार पर कोई आपत्तिजनक टिप्पणी करने की इजाजत नहीं है। तीसरा नियम, कार्यक्रम में शामिल किसी भी सदस्य को ऐसे शब्द या व्यवहार के इस्तेमाल की इजाजत नहीं है जिसकी सार्वजनिक जीवन में मनाही है। चौथा नियम, किसी भी कीमत पर किसी भी प्रतिभागी को किसी भी सदस्य पर शारीरिक हमला या निजी टिप्पणी करने की अनुमति नहीं दी जाती है। और पांचवा नियम, पूरे कार्यक्रम के दौरान जब भी जरूरी लगेगा मैं यानी जी न्यूज का संविधान जनता के बीच हस्तक्षेप कर सकता हूं। अब मैं सभी मेहमानों से निवेदन करूंगा कि वह खुद अपना परिचय दें और बहस को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले सुलोचना उर्फ सुलू जी। जी, मैं सुलू, तुम्हारी सुलू, आप सबसे आज मिलने आई हूँ, गुफ्तगू करने आई हूँ और बस यही। मेरा नाम मोनिका अरोड़ा है, मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और दिल्ली में पोस्टर्स बैन करवाए कानून द्वारा, दिल्ली में काउ वेलफेयर बोर्ड बनवाया कानून द्वारा और जो भगत सिंह राजगुरु को आतंकवादी लिखा जाता था टेक्स्ट बुक्स में उसको हटाकर क्रांतिकारी करवाया। मेरा ये मानना है कि आदमी हो या औरत, आपकी विचार का, विचार शक्ति का, बौद्धिक क्षमता का और वाक पटुता का कोई लिंग नहीं होता, कोई जेंडर नहीं होता। क्या बात है। इसलिए आप सुनो की तरह आप शिक्षा दीजिए, अवसर दीजिए तो आदमी हो या औरत सबके सपनों को पंख मिल सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सोनाली कटारिया है, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, एक ऑटिस्टिक बच्चों का स्कूल चलाती हूँ, दो बच्चों की माँ हूँ और मेरी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन ये है कि मैं एक घर चलाती हूँ। मेरा नाम परवीन मल्होत्रा है, मैं एक करियर कॉलमनिस्ट और काउंसलर हूँ, बच्चों को क्लास 10 से लेकर मिड करियर चेंजर्स को मैं एडवाइस देती हूँ, अखबारों में लिखती हूँ, मेरी क्वेरी कॉलम्स काफ़ी पॉपुलर है, इसके अलावा मैंने 800-900 टीवी शोज़ किए हैं और जब मैं बच्चों को काउंसिल करती हूँ तो ज़्यादातर वो बहुत कंफ्यूज्ड और उनको पेरेंट्स ड्रैग करके ले आते हैं मेरे पास और जब वो कमरे से बाहर निकलते हैं हंसते हंसते खुशी तो मुझे इतना आनंद होता है। और इसके बाद हमेशा बच्चा जब कमरे से बाहर जाता है तो उसकी मदर अक्सर वापस आती है जैसे कि कुछ भूल गई हो मेरे कमरे में और पूछती है कि मैम हम भी कुछ कर सकते हैं कि नहीं, और वहाँ मेरा चैलेंज शुरू होता है। वाह। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सायरा शाह हलीम है, मैं एक समाज सेविका हूँ, एजुकेटर हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ, दो बच्चों की माँ हूँ और अभी फिलहाल सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन यही रहेगा कि मैं एक गृहिणी भी हूँ। शुक्रिया। सुलू जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जी बोलिए। सुलू, क्या आपको लगता है कि घर में रहने वाली महिलाओं के अंदर कोई हीन भावना आ जाती है? अगर ये सच है तो क्या ऐसी महिलाओं के लिए बाहर निकल कर काम करना आसान होता है? आई थिंक घर में हो या बाहर औरत काम करती है, जो बाहर जाते हैं उनको करियर वुमन का दर्जा दिया जाता है या फिर टाइटल दिया जाता है, पर घर पे भी औरत काम करती है, चाहे आपके बहुत सारे नौकर चाकर भी क्यों ना हो, फिर भी औरत को काम करना पड़ता है, उसको सब कुछ संभालना पड़ता है, सब
सब कुछ समेटना पड़ता है, सबको साथ रखना पड़ता है, ये बहुत काम होता है। पर होता क्या है, जो गृहिणी होती है उसके काम के लिए पैसे नहीं मिलते, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसी वजह से कितने औरतों को हमने कहते सुना कि मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूँ, और मैं कहती हूँ कि सिर्फ हाउसवाइफ का क्या मतलब है? आप क्यों अपना ही वैल्यू घटा रही हैं बाय सेइंग सिर्फ हाउसवाइफ हूँ? पर हमारी गलती नहीं है ना, पहले से हम देखते आ रहे हैं कि जो घर पे काम करते उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती, जो घर बैठ के बच्चों को संभालते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू हम नहीं करते। मैं भी बचपन में, आई रिमेम्बर, मैं अपनी मम्मी को कहती रहती थी, वो शी वॉज अ होम मेकर, और मैं कहती उनको कि नहीं आप भी काम पे जाओ ना, मेरी सहेलों मेरे फ्रेंड्स के मम्मी जो हैं काम पे जाते हैं, वो एक यू नो ठाट था कि वो लोग करियर वुमेन है और मेरी मम्मी घर बैठती हैं। फिर जब मैं चौथी क्लास में थी तब हमारी एक क्लास टीचर थी मिसेस रॉड्रिक्स, उन्होंने हमें सिखाया कि जो घर पे रहते हैं, जो घर संभालते हैं, जिसे हम गृहिणी, हाउस वाइफ, होम मेकर कहते हैं, वो भी बहुत काम करते हैं, पर उनके काम को कोई वैल्यू नहीं करता, क्योंकि वो काम एक्चुअली हमारे लिए इनविजिबल हो जाता है। वो जिसके लिए पैसे नहीं मिलते, वो हमारे लिए इनविजिबल ना काम करने के बराबर होता है। तो शी सेड, आज से जब भी आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाए या जब भी आपकी मम्मी आपको तैयार करके स्कूल भेजे, से थैंक यू टू योर मदर। और बचपन में क्या है, क्लास टीचर ने कह दिया तो हम मान गए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोले। मेरी मम्मी तो हंसती थी कि अरे क्या बोल रही हो, हर बात पे क्यों थैंक यू बोल रही हो। पर जब बड़ी हुई तो इन उनके शब्दों का, मेरी क्लास टीचर के शब्दों का सही मतलब मुझे समझ में आया, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। तो मेरा मानना है कि औरत हर जगह काम करती है, एंड यू नो वी शुड वैल्यू द वर्क वी डू। एक्चुअली क्या है, मैं ये डेफिनेशंस जो है ना रोज की जिंदगी से परेशान हो चुकी हूँ कि लोग कहते हैं कि भैया आप मुसलमान हैं तो आपका दृष्टिकोण यही रहेगा। मैं कहती हूँ नहीं, आपको क्या लगता है कि मेरा यहाँ पे कोई ठप्पा लगा है कि मेरा इसी तरह का कोई पर्सपेक्टिव रहेगा? कोई कहते हैं कि आप एक वुमन हैं तो आप काम कैसे कर सकते हैं, आप हस्बैंड को कैसे संभाल कर सकते हैं? मैं तो ये कहती हूँ कि क्यों नहीं कर सकती नारी। आप ये आप कह रही थी कि यू नो हमको हस्बैंड को संभालना पड़ता है, मैं कह रही हूँ वो 5 साल का बच्चा है जो हम उसको संभाले नहीं, सही बात है ना कि हर औरत से कहा जाता है कि हाँ हमें संभालना होता है हस्बैंड को, बच्चों को मैं समझ सकती हूँ, पर हस्बैंड को संभालने की क्या, अगर वो 5 साल का है तो आप जेल जा सकती हैं क्योंकि आपने बाल विवाह किया है तो वैसे भी आपको उनको छोड़ देना चाहिए। आई रियली थिंक कि दिस इज यू नो द रोल ऑफ द वाइफ, टिपिकल वाइफ इज लाइक यू सेड ओवररेटेड। और फ्रॉम नाउ ऑन ये कहना चाहिए कि अगर मैं या तो घर पे काम कर रही हूँ, मैं गृहिणी हूँ, बाहर जा रही हूँ तब भी काम कर रही हूँ, आपको मुझे सपोर्ट, सिर्फ सपोर्ट नहीं, इट विल हैव टू बी अ 50-50%, बिकॉज मॉडर्न मैरिज इज अ पार्टनरशिप। ये नहीं हो सकता कि आप मैं अरे पता है वो ना खाने के बाद टेबल से उठा के सब मोरी में डाल देते हैं, ये कोई काम हुई भला? ट्रेन में सफ़र करती हैं, वहाँ पे सब्जी काटती हैं, क्योंकि वो उनको परेशानी होती है जहन में कि उनको जाके घर अभी जाके खाना पकाना है, बच्चों का ख्याल करना है, तो वो एक्चुअली स्त्री शक्ति होती है। आप वापस, आप ट्रेन में भी आप सब्जियां काट रही हैं, आप घर पे आके खाना बनाती हैं, उसके बाद बच्चों को नहलाती है, बच्चों को पढ़ाती हैं, टाइम पे सबको फिर खाना खिला के बच्चों को सुला के, और आपके पति क्या करते हैं, टेबल से लेके बहुत काम हो गया, इतने मसल्स बनाने के बहुत फायदे हुए हैं आप सहमत हैं मेरी बात से? बिल्कुल बिल्कुल दिव्या जी, आई थिंक आपने बहुत ही बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में बताया, एंड ये मुझे शब्द भी अच्छा नहीं लगता, हाउसवाइफ, होम मेकर। एज अ डॉक्टर आई वांटेड टू पुट इन समथिंग हियर, जैसा सायरा ने बताया कि विमेन ये भी काम करती हैं, ये भी काम करती हैं, ये भी काम, व्हेन यू आर मैनेजिंग अ हाउस आप कम से कम
कम से कम 10 से 12 काम एक साथ कर रहे हो, आपके गैस पे दूध भी चढ़ा रखा है, बच्चे को नहला के भी फटाफट ला रहे हो, कपड़े भी निकाल रहे हो, हस्बैंड के कपड़े भी प्रेस कर रहे हो, खाना भी पैक कर रहे हो और आगे की प्लानिंग भी कर रहे हो, उसके बाद मुझे क्या करना है, मेड आएगी तो क्या कराना है. सो यू नो विमेन के जो ब्रेन है दैट इज केपेबल ऑफ डूइंग क्या होता है, मैं सॉरी आपको बीच में टोक रही हूँ, हम बहुत कंसेशन दे देते हैं कि हम मल्टी टास्क कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, वो सिर्फ कंपार्टमेंटलाइज करते हैं, वो काम पे, वो आदत है, आदत जो यू नो पुश्तों से चली आ रही है. इफ दे डिसाइड टू डू टू बी इक्वल कॉन्ट्रीब्यूटर्स इन अ होम, आई थिंक वो हर बाकी हर चीज में वो आधा आधा बांटने को तैयार हैं. हाँ कभी ज्यादातर तो प्रॉपर्टी में हमको आधा दिया भी नहीं जाता. पर यू नो आई थिंक दिस इज दिस आइडिया ऑफ अ सुपर वुमन, एक्चुअली मुझे उससे थोड़ी सी दिक्कत होती है कि दैट मीन्स आर एक्सपेक्टेशन है ना कि आप सब कुछ करो. जैसे मेरी शादी के बाद अगले दिन सबने पूछना शुरू कर दिया, हमारी मीडिया भी ना बहुत मतलब आप कैसे बैलेंस करते हो. तो मेरा एक बहुत बड़ा जोक है, बुरा जोक है, मैं कहती हूँ मैंने कहा कि मैं बालन हूँ इसलिए मैं बैलेंस करती हूँ. नहीं पर मैं बैलेंस करने की कोशिश ही नहीं करती. जो हाउसवाइफ वो अनअकाउंटेड लेबर उसको कहते हैं, बिल्कुल उसका कोई वो है ही नहीं कुछ अकाउंटेबिलिटी कि कितना लेबर करती हैं क्या है. तो अगर उसको हम लोग अकाउंटेबिलिटी लें उसकी यू नो एंड कंपेयर टू हाउ मच विमेन गेट इन द वर्क फोर्स, तो भैया हम लोगों के हस्बैंड्स को जो सैलरी देनी पड़ेगी हम लोगों को. मैंने जो अपने लाइफ से देखा है ना, मुझे लगता है कि देखो कठिनाइयां तो हम सबके लाइफ में बहुत आते हैं, मुसीबतें भी आती हैं. जैसा आपने कहा कि हमें इतनी ताकत है कि हम ना रुकते हैं ना झुकते हैं ना टूटते हैं. और मैं भी एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है, और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है. तो मुझे मुझे लगता है कि हम सब में ना वो ईश्वर ने ताकत दी है, वो शक्ति दी है कि हम मल्टीटास्किंग भी कर सकती हैं. और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगी, मैं कहना चाहूँगी कि 125 करोड़ भारतवासियों में भगवान ने हमें क्यों बनाया, मतलब वाई वन एक्स्ट्रा. इसका मतलब हम जैसा कोई और नहीं है, हम किसी खास मकसद से इस दुनिया में आए हैं. वो खास मकसद क्या है हमें हर समय उसको जानना चाहिए. वी आर डिफरेंट, वी आर यूनिक. वो यूनिकनेस क्या है वो इस पर निर्भर नहीं करती कि हमारी सास सुबह उठ के हमारे लिए खाना बनाएगी कि नहीं बनाएगी, बुरा बोलेगी कि नहीं बोलेगी, हमारा हस्बैंड हमारी मदद करेगा कि नहीं करेगा. मैंने विद्या जी की वो पिक्चर अनगिनत बार देखी है, लगे रहो मुन्ना भाई. और लगे रहो मुन्ना भाई में आप बताइए, जब वो रेडियो जॉकी थी, वो जब आरजे का रोल अपना प्ले करती थी, कब वो उन बूढ़े लोगों की सेवा में लग गई उस समय, वो समाज के डिफरेंट जो प्रॉब्लम्स थी उनको एड्रेस करना शुरू कर दिया. यानी आपके जो घर का काम था और आपकी जॉब था उसमें अंतर ही खत्म हो गया. आप 24 घंटे विद योर पैशन आप वो आरजे का काम कर रही थी. तो मुझे लगता है कि हम महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए, इफ वी परस्यू अवर पैशन, हम म्यूजिक में अच्छे हैं तो हम गा रहे हैं ना, हम 24 घंटे हम खाना बनाते हुए भी गा रहे हैं, कपड़े धोते हुए भी गा रहे हैं, घर में भी गा रहे हैं, पैसे की आवश्यकता हो या ना हो, हम बाहर जाना चाहें तो हम जॉब भी ले सकते हैं. अगर हम अपने पैशन को परस्यू करते हैं और पैशन को अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, देन द स्काई इज द लिमिट. मेरे पेरेंट्स ने मुझे एजुकेट किया, मुझे डॉक्टर बनाया, लेकिन मैंने अपना मेडिकल प्रोफेशन छोड़ दिया कुछ साल पहले. आई क्विट माय जॉब फ्रॉम एम्स एंड नाउ आई एम रनिंग एन एनजीओ व्हिच इज कॉल्ड सनराइज लर्निंग फाउंडेशन. वो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए काम करती है जो बच्चे बोलते नहीं हैं, समझते नहीं हैं. आई एम डूइंग इट आउट ऑफ पैशन. आई एम अ डॉक्टर इन द सेम फील्ड बट आई एम नॉट वर्किंग फॉर एनी हॉस्पिटल. नाउ आई एम वर्किंग कंप्लीटली ऑन माई ओन टू हेल्प माई चिल्ड्रन. आई हैव 23, 24 children right now, not just two. And I'm loving every moment of that time that I spend with those children. मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ. आप देख रहे हैं क्या कहता है इंडिया. हमारी आज की बहस बहुत अच्छी चल रही है. वाकई हाउसवाइफ समाज की बाकी महिलाओं के मुकाबले कहीं ज्यादा मेहनती होती हैं
और ज्यादा चुनौतियों का सामना करती हैं। लेकिन ऐसा क्यों है कि उनकी जिंदगी सिर्फ किचन या सिर्फ प्रेशर कुकर के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाती है? मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपका डे इतना हैक्टिक रहता है और फिर भी आप इतना हैप्पी और रिलैक्स कैसे रहते हो? अच्छा, मैं खुश रहने के, मुस्कुराने के, हंसने के वजह ढूंढती रहती हूँ। मुझे लगता है अगर मैं खुश रहती हूँ ना तो सब कुछ सही होता है दुनिया में, ना सिर्फ मेरी दुनिया में, पर ये मेरा मानना है। और मैंने जो फिल्म अभी अभी की है तुम्हारी सुलू, जिसका आपने ट्रेलर देखा, वो भी हर लम्हे का मज़ा उठाने की कोशिश करती है। वो गृहिणी है और वो गृहिणी होकर बहुत खुश है। आई थिंक ऑल्सो एक और चीज़ मैंने देखा है लेटली कि अभी उल्टा हो गया ना कि आप अगर गृहिणी हैं तो वैसे भी वैल्यू नहीं है, और इस वजह से काफ़ी सारी औरतें ना खुश रहती कि मैं सिर्फ हाउसवाइफ हूँ वगैरह वगैरह। पर आई थिंक अगर आपका वो चॉइस है तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन एज फार एज इट्स योर चॉइस। और वो बहुत खुश है अपनी दुनिया में, पर वो बहुत उसमें ज़्यादा जोश है और उत्साह है हर चीज़ ट्राई करने की, और उस मंत्रा उसका है कि मैं कर सकती है। तो ऐसे चीज़ें ट्राई करते 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 उसे लेट नाइट आरजे का जॉब मिलता है, और इसीलिए फिर वो ऐसे लेट नाइट आरजे जैसे बोलती है ना, हेलो आपकी रात उनको ऐसे ऐसे लगता है कि नींद में कोई बोल रहा पर आई थिंक वही सिमिलैरिटी है हम दोनों में कि हम दोनों बहुत पॉजिटिव हैं, वो किरदार और मैं, इसीलिए मैं उस किरदार से जुड़ पाई, इसीलिए मैं उस किरदार को निभा पाई कि दोनों पॉजिटिव है, खुश रहते हैं, हंसते बहुत आसानी से हैं सब कुछ कर गुजरने की, सब कुछ पाने की ख्वाहिश है, पर हर लम्हे को मतलब पूरी तरह जीने की भी ख्वाहिश है। My name is Purnima. सिमिलर सेम मेरी स्टोरी सुलू जैसे ही है, तो मैं हाँ मैं भी मतलब स्ट्रगल्स है, मैं भी अपने आप को एंजॉय करती हूँ, मैं एक एंटरप्रेन्योर बनी हुई हूँ। अच्छा। तो हर मैं जो चाहती थी वो सारा मैंने हासिल किया, एंजॉय करके करती हूँ। ये मैं मूवी कब देख सकती हूँ, रिलीज कब होगी, मैं बहुत इंतजार कर रही हूँ। 17 नवंबर को रिलीज हो रही है, देखिएगा प्लीज। ओके जरूर। हाँ, और फैमिली फिल्म है, अपनी फैमिली के साथ जाके देखिएगा। सबसे ऊपर हम टॉप पे जाना चाहते हैं, हस्बैंड से ऊपर हमारा ओहदा मिलना चाहिए हमें। होना तो चाहिए, आप बिल्कुल सही हैं पर उस लड़ाई में हम कभी कभी डर भी जाते हैं। बिल्कुल डर जाते हैं कि कहीं रिश्ते हमारे छूट जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि बचपन से आपको सिखाया जाता है कि जब तक आपकी जिंदगी में मर्द हो, बाप हो, भाई हो, पति हो, बेटा हो, आप महफूज हैं। तो इस वजह से हम डरते हैं अपना वो ओहदा डिमांड करने के लिए, या फिर वो इक्वल जो घर में एक इक्वल रिस्पेक्ट मांगने के लिए, क्योंकि आपसे ये भी कहा जाता है ना कि आपको सबको समझ के लेना है। काफ़ी मैंने सुना है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। एक्चुअली ऐसा होता क्यों है? मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, और आप बताइए कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि वी हैव ऑलवेज डिराइव्ड आवर आइडेंटिटीज फ्रॉम द मेन। जैसे मैंने कहा कि जब तक आपकी ज़िंदगी में मर्द हो, आप महफूज हैं, तो जब लड़के की ज़िंदगी में एक दूसरी औरत आती है तो माँ को लगता है कि उसकी जगह शायद वो ले लेगी। सो हाँ, इनसिक्योर, उस वजह से वो ऐसी बिहेव करती हैं ये। पर ऐसा नहीं है कि औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है, और सास और बहू भी अगर एक दूसरे को समझने की कोशिश करे, सास भी क्योंकि सास भी कभी बहू थी वट आई फील इज कि औरतों ने अपने आप को इतना दबा दिया है, उन्हें शायद ये कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है कि हमें मतलब शुरू से ही दब दब कर उनकी वो कहीं ना कहीं हैबिचुअल हो चुकी है। से कि अगर हम ये अपनी अपब्रिंगिंग में डालें, आने वाले अपनी पीढ़ी के अंदर अपब्रिंगिंग में डालें, क्योंकि बीइंग अ डॉटर, मेरे फादर ने मुझे हमेशा सिखाया, हमेशा बोला है, मेरी मदर मेरे पीछे पड़ी रहती है, यू मैरी गेट मैरिड, यू आर 26 यू गेट मैरिड। मेरे फादर ने आज तक नहीं कहा, व्हाट ही सेज इज मेक योर आइडेंटिटी, चाहे आप शादी करो ना करो, अकेले रहो, आई डोंट केयर, मेक योर आइडेंटिटी। औरत अपनी जो पूरी पहचान है, वजूद है, वो छोड़ कर जाती हैं अपने इन लॉज ससुराल के यहाँ,
यहाँ तक कि अपना सरनेम भी बदल लेती हैं और कुछ महिलाएं अपना प्रथम नाम भी बदल लेती हैं। सो ये एक बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है जो आदमी लोग नहीं कर सकते। मैन आर नॉट केपेबल ऑफ चेंजिंग देयर इमीडिएट आइडेंटिटी। आई थिंक सच अ बिग थिंग, समटाइम्स आई पॉन्डर अबाउट इट कि नाम कैसे बदल लेंगे। पूछते थे कि अच्छा अभी आप विद्या बालन रॉय कपूर बनेंगी, हाँ। तो मैंने कहा कि जो मुझे बनना था मैं बन गई हूँ ऑलरेडी। मैं विद्या बालन हूँ, मैं विद्या बालन ही रहूँगी। फिर उनको लगता है कि नहीं, आपके यू नो आपकी फैमिली ने कैसे रिएक्ट किया। मैंने कहा मेरे पति जानते हैं कि मैं उनसे उतना ही प्यार करती हूँ जब मैं विद्या बालन हूँ जितना मैं करूँगी अगर मैंने नाम बदला तो। हाँ, तो यू नो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए, पर आई गेस सब यू नो लोग जरा चौंक जाते हैं अगर आप कहो कि उनको लगता है कि आप रिबेलियस हो रही हैं कि किस वजह से आप, यानी आप कहीं फैमिली को यू नो ये घिसे पिटे आइडियाज होते हैं ना, तोड़ तो नहीं देंगी, ऑलरेडी लक्षण दिखा रही है देखो। यस, व्हाट्स योर नेम? आयशा खान वेन। मैम जब आप हमारे जैसे छोटे थे तब आप बड़े होकर क्या बनना चाहते थे? एक्टर। आपकी क्या उम्र है? 8 years. 8 years old. एक्चुअली मैं 11 की थी जब मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्टर बनूंगी, और तब से आज तक और कुछ नहीं करना चाहा। और यू नो भगवान की कायनात की दया है कि मैं यहाँ आपके सामने एक्टर बनकर खड़ी हूँ। पर आप जो भी चाहो ना आप कर सकते हो, ये टैगलाइन हमारी फिल्म का, मैं कर सकती है, मतलब लड़की होकर आप जो चाहे आप कर सकती हैं। आपको क्या बनना है? अरे वाह, हम भी देखिए 20 साल लग जाएंगे आपको, नहीं 20 नहीं 12 13 14 साल लग जाएंगे एस्ट्रोनॉट बनने में। हम सब याद रखेंगे कि आप कभी हमारे शो पे हमारे साथ थी और आपने बोला था कि आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं। आप जरूर बनेंगी, ऑल द बेस्ट। स्पेस से हमें बाय करना, हाँ स्पेस से बाय करना ये कह रही हैं। इसके लिए मैं एक बात और कहूंगी, ऐड करूंगी, मैं हमेशा विवेकानंद जी से बहुत प्रभावित रही। और विवेकानंद जी ने अपने जीवनी में लिखा है कि वन लाइफ वन मिशन। आप कुछ भी तय कर लो, आपने कहा एस्ट्रोनॉट बनूंगी, आपने कहा माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते केवल और केवल उसी के बारे में सोचो। ऐसा सपना देखो जो आपको रात को सोने ना दे, आप उसी और लगातार लगातार आगे बढ़ते जाओ, कि जो 100 miles की सड़क है वो भी पहले कदम से ही शुरू होती है। तो लगातार काम करो आप बन जाओगे। और जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं शायद हम सभी लोगों ने एक सपना देखा, लगातार काम करते रहे उसको साकार किया। जुनून के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। सॉरी आपके सवाल के पहले एक बार मैं परवीन जी से पूछना चाहती हूँ, जब औरतें आपके कमरे से आप बोली कि प्रेरित होकर निकलती हैं कि उन्हें लगता है कि यू नो मुझे भी कुछ करना चाहिए, तो आप उनको किस तरह से यू नो उनको एक दिशा दिखाती हैं? बिकॉज वो ऑब्वियसली बंधित हैं, किसी तरह से अपने आप को यू नो सीमित पाती है जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रही। जरूरी नहीं है कि हर एक का एक बहुत बड़ा पैशन या ड्रीम हो। यू स्टार्ट यू नो विद माइक्रो पैशंस एंड माइक्रो ड्रीम्स, स्टार्ट डूइंग वन थिंग, गेटिंग गुड एट इट, डोंट फियर फेलियर। यू नो फेलियर इज अ फार बेटर टीचर देन एनी सक्सेस कैन एवर बी। सक्सेस तो आपको कंप्लेसेंट बना सकती है कि मैं जिसको छूंगी सोना बन जाएगा, यू नो। सो ट्राई, एंड योर होम इज योर लेबोरेटरी, योर चिल्ड्रन आर योर लेबोरेटरी, दे आर द बेस्ट क्रिटिक्स। आप औरों की क्रिटिसिज्म या रिव्यूज लो, उससे अच्छा अपने फैमिली से लो, एंड दैट विल एम्बोल्डन यू टू स्टेप आउट। और आज we have the electronic media, you have YouTube, you have social media, all of that, social media, Instagram, you can become instant entrepreneurs, you know, and test out. And also the loss that you may fail, if you fail, is so tiny that you have nothing to lose. Kya baat hai ji. Hello ma'am,
Hello. My name is Reena and I want to know who is the role model of your life. Anybody motivate you for that? You just an actress, you become. Anybody motivate you? As an actor? Yes. Anybody motivate I think Shabana Azmi meri hamesha se. आइडल रही हैं आपको देख के ना सपना लग रहा है कि मैं देख पा रही हूँ क्या है मैम जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि वो हाउसवाइफ की कदर नहीं होती हाउसवाइफ की कोई रिस्पेक्ट नहीं होती मैम लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वर्किंग लेडीज़ की हर टाइम रिस्पेक्ट होती है नहीं, वो तो है हाँ फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे कि इंदौर जैसे शहर से एक बहुत छोटे प्लेस में मेरी शादी हुई लेकिन मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था फिर मैं जिले पे आई और मैंने वहाँ पार्लर डाला वहाँ भी सपोर्ट नहीं था और ना कोई वैल्यू थी उसके बाद अभी मैंने ग्रेटर नोएडा दिल्ली में पार्लर डाला यहाँ भी सपोर्ट नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है कि हिम्मत नहीं हारना चाहिए लेडीज को आपको आप खुद का सपोर्ट था हाँ वो सबसे ज्यादा जरूरी हाँ, होता है मैं अपने आप में इतना मतलब वो अपनी विल पावर मेरी है कि मैं कभी नहीं हार मानूंगी किसी से भी नहीं वर्किंग लेडीज हूँ दो बच्चे हैं मेरे कॉलेज में है एक छोटा बेटा ट्वेल्थ में है आप खुद कॉलेज लड़की लगती हैं और काफी खूबसूरत बच्चे हैं और उनके लिए ना मैं दुनिया से लड़ सकती हूँ और एक माँ जो होती है उसको बहुत अंदर से बहुत बड़ी शक्ति होती है यही शक्ति के लिए मैं मैम से मिली आके और मैंने नारी शक्ति ज्वाइन किया क्योंकि मुझे लेडीजों की शक्ति बढ़ानी है क्या बात है आपका नाम बबीता भार्गव बबीता हाँ जी अरे वाह बबीता एक लाइन बोलो जी 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 आपको देखकर ध्यान में आता है जी जी कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती जी जी बिल्कुल कि जिंदगी तो अपने दम पर ही जी जाती है दूसरों के कंधों पर तो जनाजे ही उठा अरे वाह आप वैसे आपने कहा आप लॉयर हैं हमें लग रहा है आप झूठ बोल रही हैं या फिर ऐसे खड़े होकर अगर आप यू नो कोई केस लड़े तो सब बेहोश ही हो जाएंगे हर केस आप जीत जाओगे आप देख रहे हैं क्या कहता है इंडिया आज इंडिया ये सवाल उठा रहा है कि क्या घरेलू महिलाएं यानी कि हाउसवाइफ किसी से कम हैं वक्त है कि हम इस कार्यक्रम में अभी अभी जुड़े दर्शकों को बता दें कि अब तक इस शो में क्या क्या हुआ पोता क्या जो गृहिणी होती है उसके काम के लिए पैसे नहीं मिलते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती इसी वजह से कितने औरतों को हमने कहते सुना कि मैं तो सिर्फ हाउसवाइफ हूँ और मैं कहती हूँ कि सिर्फ हाउसवाइफ का क्या मतलब है तो यू नो विमेन के जो ब्रेन है दैट इज केपेबल ऑफ डूइंग हमको हस्बैंड को संभालना पड़ता है मैं कह रही हूँ वो 5 साल का बच्चा है जो हम उसको संभाले जैसा आपने कहा कि हमें इतनी ताकत है कि हम ना रुकते हैं ना झुकते हैं ना टूटते हैं और मैं भी एक बात हमेशा कहती हूँ कि जो पत्थर चोट लगकर टूट जाता है वो कंकड़ हो जाता है और जो पत्थर उस चोट को सह जाता है वो शंकर हो जाता है Which work is more difficult, working in front of the camera or being at home looking out of your family? I think being at home, looking after the house, family, वो तो उसमें constant काम है. वो काम ज़्यादा कठिन है क्योंकि उसके end में कोई आपको thank you नहीं बोलता. मुझे awards मिलते हैं मेरे काम के, box office success मिलता है, इतना आधा मिलता है, लोगों का प्यार मिलता है. तो मैं उस मेहनत मैं मुझे ज़्यादा मतलब कठिनाई नहीं लगती पर बीइंग अ हाउसवाइफ आई थिंक यू नो हैट्स ऑफ थैंक यू सॉरी आप पूछ रही थी कुछ टेक्स भी नहीं मिलते बिल्कुल और लोग कहते हैं अगर बाहर जा रही हो लेकिन घर में कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए बच्चों का रूटीन नहीं बिगड़ना चाहिए और नथिंग शुड गो टॉपसी टर्वी तभी आप बाहर जो कर रहे हैं कर सकते हैं ये बोला जाता है नहीं आप लोग सहमत हैं इसराय से कि आप बाहर जो भी करें घर से टस से मस नहीं होना चाहिए जैसे चल रहा है वैसे चलना चाहिए आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट चैलेंज सबसे बड़ा वो मैंने ये भी सुना है यू नो कुछ फ्रेंड्स को कहते सुना है जब वो प्रेग्नेंट थी तो वो कहती थी कि वो बच्चा उठा के चल रही थी और वो कहते थे नो या मेरे हस्बैंड ना रोज टाइम पे आ जाते हैं इतने सपोर्टिव हैं तो मैंने उनको कहा जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तो आप एक हॉलिडे पर जाके आ जाओ मैंने कहा उल्लू की पट्टी लो
आप बोझ आप उठा रहे हो और हमेशा उसके लिए जिंदगी. और देखिए, आई एम नॉट एंटी मैन. I love my father, I love my little nephew, I love my husband. There are so many important men in my life. पर मैं अपनी वैल्यू पहले करती हूँ. सब मुझसे पूछते हैं आपकी ज़िंदगी में अहम कौन है, शादी के बाद पूछने लगे. और मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में मैं सबसे ज़्यादा अहम हूँ. तो वो चौंक गए कि अच्छा, आप कहना चाहिए था कि पति अहम है. तो मैंने कहा नहीं, मैं हूँ. अगर मैं अपनी ज़िंदगी में अहम रहूँगी तभी मैं उनकी ज़िंदगी में भी अहम रहूँगी. बिल्कुल ठीक कहा विद्या जी. यू नो इट्स जो आपने कहा ना जी. हम लोग अक्सर, जैसे हमारे पास बहुत से क्लाइंट्स आते हैं और शायद हम लोगों ने अब तक 50,000-70,000 कितने केसेस कर लिए, मैट्रिमोनियल मुझे याद नहीं है. जो भी आता है और बोलता है, हम उसे यही कहते हैं कि पहले आप खुद खुश रहो. आप खुश रहोगे, आप अपने बच्चों को खुशी दोगे, अपने परिवार में खुशी दोगे, समाज में खुशी दोगे, आप किसी और का भला भी कर सकते हो. अब आपकी एक जो मन की दुकान है उसमें करेला और नीम पड़ा होगा, तो आप सबको करेला और नीम दोगे. और आपके अंदर अगर आपके अंदर सेब पड़ा होगा और आम पड़ा होगा और मिठाई होगी, आप सबको वो दोगे. तो पहले आप स्वयं सुनो, मैं जी न्यूज़ का संविधान बोल रहा हूँ. एक वर्किंग वुमन किसी दफ्तर में 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे तक काम करती है, लेकिन हाउसवाइफ का वर्किंग आवर 24 घंटे का होता है. फिर भी हाउसवाइफ को कमजोर क्यों समझा जाता है? कमजोर क्यों समझा जाता है? क्योंकि जैसे इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट नहीं होते. हर रिश्ते को पैसे पे तोला जाता है. तुम सुबह उठो, तुम नाश्ता बनाओ, उसके बाद बच्चे को आप भेजो, बच्चा आए तो उसका ध्यान करो, पति का लंच जा चुका, शाम को सास हैं, ससुर हैं, उनका ध्यान रखो, घर की चौकीदारी करो. तो अगर आप टोटल अगर इवैल्यूएट करेंगे इसको, मुझे लगता है आपको 10 से 15 नौकर रखने पड़े. एक सुपर मॉम, एक सुपर वुमन का कैरेक्टर हम इतना मीडिया में, इतना अपने आपस में, इतना हाईलाइट, इतना ग्लैमराइज करते हैं. एक सुपर डैड का रोल क्यों नहीं ग्लैमराइज करते? मीडिया क्यों नहीं प्रमोट करती है ये कि सुपर डैड भी हो सकते हैं? क्रेडिट बहुत, मतलब सेंचुरी से नहीं दिया गया है, तो हम अब क्रेडिट के भूखे हैं. लेकिन नहीं नहीं, पर आप ये दैट आई थिंक कैन चेंज, इट कैन बी इंस्पायरिंग फॉर अदर पेरेंट्स, अदर डैड्स. नहीं, एक वो जो सवाल था कि दे वांट टू बी इक्वल पार्टनरशिप में आना चाहिए, क्या आ जाते हैं? पर कठिनाइयां तो हमें वो फेस करनी ही है, हमें कितना भी कोऑपरेशन मिले. पर यू नो, ये अगर हम कहें कि आपको ये करना ही है, यू नो, फिर वो शायद ना करें, शायद ना. पर कॉन्वर्सेशन से अगर हम उन्हें समझाने की कोशिश करें, हम कोई इस बात को, यू नो, इस बात के लिए नेगोशिएशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इवन दे डोंट नो दैट दे आर विक्टिम्स ऑफ कंडीशनिंग. एग्जैक्टली, दे डोंट नो. उनको क्या बताया गया है कि मर्द मतलब स्ट्रांग, फिजिकली स्ट्रांग, वुमन मतलब इमोशनली स्ट्रांग. पर इमोशनली स्ट्रांग को भी बहुत कम दर्जा दिया जाता है, यू नो. So men are not supposed to cry, men are not supposed to do anything feminine. Yeah, what exactly is feminine? Housework, taking care of. So agar unka nazariya badla jaye through conversation slowly, it will take time. हम अपने बच्चों को, जैसे बात हो रही थी पति पत्नी की भागीदारी और बच्चों की कंडीशनिंग के ऊपर, हम लड़कियों से कहते हैं कि हमें, लड़कियों के लिए हम सर्टेन रूल्स बनाते हैं, हम लड़कों के लिए भी रूल्स बनाएं कि तुम्हें ये काम करना है बड़े होके, घर का काम तुम्हें हेल्प करानी है, तो शायद ये दूर हो जाएगी. मीडियम क्लास लड़की या हाउस वाइफ वो इसी मेंटेलिटी से बड़ी होती है और अपने आप, उसके खुद के अंदर भी ये मेंटेलिटी रहती है कि उसका घर उसकी प्रायोरिटी है. जी, चाहे वो कितनी भी पढ़ी लिखी हो या कितनी भी विचार वालों, मतलब अच्छी हो, तो इस मानसिकता से वो अपने आप को अगर कुछ करना चाहती है तो कैसे उसको दूर करे. एक उसको गिल्ट होता है अंदर और एक उसको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है, इन चीज़ों से वो कैसे ऊपर आए? आई थिंक ये रातों रात तो नहीं, अपनी सोच को भी बदलना रातों रात नामुमकिन होता है. पर अगर हम लगातार कोशिश करते रहें, अपने आप को याद दिलाते रहें कि हमारी भी वैल्यू है, कि हमारे सपनों की वैल्यू है, कि हमारे पैशंस के, जो हम करना चाहते हैं घर में, घर के बाहर, मैं कह रही हूँ प्रोफेशनली आप छोड़ दो. अगर आप किसी को म्यूज़िक का, जैसे उन्होंने कहा, शौक है,
अपने लिए वो एक घंटा आप निकाल लिया करो घर पे म्यूजिक, तब कोई और काम मत करो। आपको रियलाइज होगा कि आप अपनी वैल्यू कैसे धीरे धीरे बढ़ा रहे हो, फिर स्लोली थिंग्स विल स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। आप जहाँ यू नो वेयर यू हैव टू पुट योर फुट डाउन, यू विल पुट योर फुट डाउन, आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाएंगी। नॉट नेसेसरली इकोनॉमिकली वो करने से, गाना सुनने के पैसे नहीं, गाने सुनने के पैसे नहीं मिलते, पर यू नो व्हाट आई मीन। मुझे अपनी खुशी अपने अंदर ढूंढनी है, जैसे ही मुझे मिल जाएगी कि मेरे अंदर से ही मेरी खुशी है। मैम ने कहा आपको म्यूज़िक पसंद है, आप अपने लिए म्यूज़िक का टाइम निकालिए। मैम ने कहा आपको डांस पसंद है, आप अपने लिए डांस का टाइम निकालिए। 15 मिनट निकालिए, लेकिन अपनी खुशी देखकर, ये मेरा पैशन है, इस चीज़ का मुझे शौक है, इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, अगर हम वो काम अपने लिए कुछ टाइम निकाल के करें तो हम अपने आप को डिस्कवर करना शुरू कर देते हैं कि ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मुझे कहीं लेके जाएगा। एंड एज सून एज यू फाइंड योर ओन सेल्फ एंड योर ओन हैप्पीनेस, तो फिर आपके पास ऑटोमेटिकली सेब और आम आ जाते हैं, नीम और करेला धीरे धीरे कम होता जाता है और आप खुशियाँ बांटना शुरू कर देते हैं। मैं आपके लिए कुछ कहना चाहूंगी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। क्या बात है। और अगेन ये मैं सिर्फ अपनी फिल्म की प्रचार नहीं कर रही, पर मैं चाहती हूँ कि आप सब जाके तुम्हारी सुलू देखें, बिकॉज यू विल ऑल बी एबल टू आइडेंटिफाई विद द फिल्म। इसमें भी एक है कि यू डोंट नीड विंग्स टू फ्लाई, यू नो हम बिना पंख के उड़ सकते हैं, जैसे उन्होंने कहा इरादों से उड़ सकते हैं। जी तो सवाल पूछूंगी जी जल्दी, सुलू आपसे ये मेरा सवाल है, जो वो प्रेशर कुकर आपने जीता था लेकिन जो खुश नहीं थी उसमें आपने बनाया क्या था? मैंने पकाया था, खिचड़ी पकाई। और दूसरा मेरा ये सवाल है आप सबसे, देखिए हम सब की जिंदगी में संघर्ष है, वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत मुश्किल है, हम सब जानते हैं, हम खुद अपने इनर एनर्जी में टैप करते रहते हैं कि नहीं वी शुड कीप स्माइलिंग, मुस्कराते रहो मुस्कराते रहो, खुद खुश हो गए तो आसपास भी सब खुश रहेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसे मोमेंट हमारी ज़िंदगी में आते हैं कि हम एक ब्रेकिंग पॉइंट पर आ जाते हैं कि बस थोड़ा सा हमें भी अब अनवाइंड करना है, थोड़ी हमें भी शक्ति चाहिए, थोड़ी हमें भी एक सपोर्ट चाहिए, तब आप क्या करते हैं? Each one of you, I would like to ask. Yes, please. I resort to prayer. Prayer gives me so much strength. वैसे तो I'm extremely lucky to have a beautiful husband, amazingly beautiful, but I resort to prayer. And prayer gives me that all that inner strength जिसकी मुझे उस time ज़रूरत होती है। मैं ये कहूँगी कि जैसे मैं पहले कह रही थी कि मैं कभी wait नहीं करती कि ये मुझे certificate देगा या वो मुझे certificate देगा। मैं हमेशा अपनी आत्मा का सर्टिफिकेट लेती हूँ, अपने ईश्वर का सर्टिफिकेट लेती हूँ। इसलिए मैं हो सकता है कि बाहर आई हूँ तो गर्म रोटी ना दे सकूँ, चलेगा ना, हो सकता है बच्चों के 2 नंबर कम आ जाए, चलेगा, पर वो हस्बैंड और वो बच्चे बहुत प्राउड फील करेंगे जब ध्यान आएगा कि हमारी माँ कुछ कर रही है। क्या नाम है आपका? माय नेम इज जानवी। मेरा ये सवाल था कि आपको एक्टर बनने का सपोर्ट कहाँ से मिला? मुझे ना पहले तो आप यहाँ आओ, मैं आपको एक हग करना चाहती हूँ, आप बहुत प्यारे हो जानवी, शी लुक्स लाइक अ डॉल ना, लुक एट एवरीवन, से हाय। जानवी मेरी ना बड़ी बहन है, उनका नाम प्रिया है, वो मुझसे 4 साल बड़ी हैं। मेरे पेरेंट्स और प्रिया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स मुझसे हमेशा कहते हैं कि अब हालांकि यू नो हमारी फैमिली में फिल्म से कोई नहीं है, मैं पहली हूँ, तो बहुत डर लगता था पहले, आप अभी नहीं समझोगे मैं बहुत बड़ा सवाल कर रही हूँ, मेरी बहन और मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया। मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ, सुलोचना उर्फ सुलू के साथ आज का कार्यक्रम अच्छा रहा। सुलू, क्या आप शो के अंत में कुछ कहना चाहेंगी? यही कि अगर हम खुद की कदर करें तो फिर सब हमारी कदर करेंगे, पर ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमें आदत नहीं है, वो आदत डालनी पड़ेगी अपने आप की वैल्यू करने की, अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से अपने शर्तों पे जीने की, खुश रहने की, और जैसे इन्होंने कहा कि
फिर सेब और क्या सेब और आम की दुकान बना आम की दुकान बना सकेंगे हम। मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ। सभी महिलाओं की मांग पर आज हम कार्यक्रम के अंत में नियमों में ढील दे रहे हैं। आप सब एक साथ आकर आपस में खुशियाँ शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से मिल सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे पर बात होगी, देखेंगे क्या कहता है इंडिया। अरे वाह, चलिए 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 सब आइएगा। Line. They can't believe a girl as cute as me.